शिव महापुराण की कथा कहती है कि दुराचार तथा काम क्रोध मद लोभ में निरंतर डूबे रहते हैं, वे भी शिव पुराण कथा सुनने से शुद्ध हो जाते हैं। देवराज नाम का एक गरीब ब्राह्मण दुराचारी और धर्म को नहीं मानने वाला था, पूजा पाठ नहीं करता था और वैश्यवृत्ति में लगा रहता था, लोगों को मारकर उनका धन हड़प लेता था। एक दिन वह घूमता हुआ प्रतिष्ठानपुर में पहुंचा। वहां उसने शिवालय देखा, वहां बहुत से साधु महात्मा हुए थे। देवराज वहीं ठहर गया। उसे ज्वर आ गया और बड़ी पीड़ा होने लगी। वहीं पर एक ब्राह्मण शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा देवराज भी कथा सुन रहा था तथा एक माह पश्चात उसकी ज्वर से मृत्यु हो गई। यमराज के दूत उसे बांधकर यमपुरी ले गए। तभी वहां भगवान शिव के पार्षद आ गए और उन्होंने देवराज को यम दूतों से छुड़ाकर शिवलोक ले जाने लगे। तो यमपुरी में कोलाहल मच गया। यमराज भी भय के कारण शिव के दूतों को कुछ न पूछा। तत्पश्चात शिव दूत देवराज को शिवलोक ले गए और शिव को सौंप दिया।